हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल। लेट अस लर्न द डिवीजन पार्ट। ओके, सो वी आर लर्निंग अवर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक पार्ट टू एंड अवर चैप्टर, दैट इज अवर चैप्टर डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 8, डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ डिवीजन, इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी लर्न कंसेप्ट 8.1 डिवीजन एज अ इक्वल ग्रुपिंग, और उसी पार्ट का हम कुछ रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी आपको पता था पिछले एग्जाम वीडियो में आपने देखा था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल ग्रुप्स इज कॉल्ड डिवीजन। उसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। सो जिस नंबर को हम डिवाइड करने वाले हैं उस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को कहते हैं हम डिवाइजर, और जो हमारा जवाब आता है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर कोशंट। ओके, उसके साथ में ही अगर कुछ नंबर बाकी रह जाता है तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सो ये जो टॉपिक मैंने कहा था और आपके नोट में इसको लिखने को कहा था, सो दैट टॉपिक एंड जो डिवीजन फैक्ट है ये आपने अच्छे से अपने नोटबुक में लिखी होगी। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट डिवीजन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। सो यहाँ पर चलो देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर के कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑन द पेज नंबर 16। ओके, तो यहाँ पर दिया है, देखो एग्जाम्पल 1, 18 पेन्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय 3 चिल्ड्रन, हाउ मेनी पेन डज ईच ऑफ देम गेट। तो देखो हमें 18 पेन देने हैं और कितने बच्चों में देने हैं? 3 बच्चों में देने हैं, 3 स्टूडेंट्स में देने हैं। तो यहाँ पर वो किस तरह से हम दे सकते हैं? सो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन है कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 18 हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने दिए यहाँ पर? 3 दिए हैं। और नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड गेट्स दिए यहाँ पर देखो 18 डिवाइडेड बाय 3 दिया है, और यहाँ पर 6 लिखा है। तो एक्चुअली ये कैसे आया 6 यहाँ पर नंबर? तो यहाँ पर हमें जरूरी है और बोलना है टेबल। देखो स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर है तो ये टेबल के बिना हमें नहीं आएगा, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको, यू मस्ट लर्न टेबल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें बोलना है टेबल 3 का। ओके, सो जब हम 3 का टेबल बोलते हैं 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। तो कब आता है हमारा 18? 3 6। तो यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, तो 3 6 रही है, इसलिए यहाँ पर जवाब क्या आया यहाँ पर? नंबर 6, बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट 6 3 18। तो यहाँ पर अगर हमें समझ आता है तो 6 कब तक आया हमने चैप्टर टेबल? तो हमने टेबल गाया 6 नंबर आने तक, और तभी हमें हमारा नंबर फाइंड आउट हुआ 18। सो दैट इज़ द आंसर ओवर हियर। सो देयर फॉर ईच चाइल्ड गेट्स 6 पेंस, तो हर एक बच्चों को इतने मिलेंगे यहाँ पर 6 6 6, ऐसे करके तीनों चिल्ड्रंस को कुल मिलाकर 18 पेंस मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। दैट इज टेबल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। सो 3 6 18, सो हियर आवर आंसर इज द 6 इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट अस लर्न द एग्जाम्पल 2, 10 फ्लावर्स आर पुट इन सम वेसेस, इफ ईच वेस हैज 2 फ्लावर्स, हाउ मेनी वेसेस आर यूज। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 10। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच वेस कितने हैं? हमें 2 करने हैं। सो हियर क्या होगा हमारा? यस, नंबर ऑफ वेसेस यूज 10 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर दिया है। देखो तो 2 का टेबल बोलना है जब तक 10 नहीं आते। 2 1 1, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 0, यस 2 5 0। सो हियर आंसर कितना आया है? 5 इज द आंसर। सो 2 5 0 10, सो और वहाँ पर दिया है सिंस 5 2 0 also 10, सो आवर आंसर इज द देयर फोर 5 वेसेस आर यूज टू पुट 10 फ्लावर्स। सो वी गेट 2 डिवीजन फैक्ट्स फ्रॉम अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, द डिवाइजर एंड द कोशंट आर द फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड। सो यहाँ पर उनको क्या कहते हैं? हम उसके फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि फैक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपने इसमें भी सॉल्व किया अपने जो नंबर ऑपरेशन की बुक्स में। नाउ
यहाँ पर देखते हैं, अगर आप देखोगे पेज नंबर ऑन द पेज नंबर 17, व्हाट वी डू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, डिविडेंड, डिवाइजर एंड द क्वेश्चन। सो डिविडेंड यहाँ पर 18, डिवाइजर यहाँ पर 6 और क्वेश्चन आया यहाँ पर 3। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर ये आता है आपका प्रोडक्ट भी, ये भी फैक्टर है और ये भी क्या है, फैक्टर है, दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। इसके बारे में तो हमने पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम करते हैं, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आता है हमारा क्या, 18। सो यहाँ पर हम इससे ये टेबल ऑब्जर्व करने से हमें एक बात समझ में आती है कि 6 3 हज़ार भी 18 होता है और 3 6 हज़ार भी क्या होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 6 3 हज़ार 18 वी कैन राइट टू डिवीजन फैक्ट्स। हम यहाँ पर दो डिवीजन फैक्ट्स लिख सकते हैं, कौन सी है, आइदर हम 18 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो हमारा जवाब आता है 6, और अगर हम 18 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो हमारा जवाब आता है यहाँ पर 3। सो हियर वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिवर्स ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे ऑपरेशन से आपके रिवर्स ऑपरेशन है। अब कैसे इस रिवर्स ऑपरेशन है, देखो यहाँ पर कुछ जो हमारे नंबर लाइन्स है तो उस नंबर लाइन से यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से ये रिवर्स ऑपरेशन है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी, वी कैन शो अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए उन्होंने क्या किया है, नंबर लाइन ड्रॉ की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 3 15 मीन्स 5 times 3 is 15। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 0 to 3 ये एक हो गया, देन 3 to 6 ये अगेन 3 हो गया, 6 to 9 अगेन 3 हो गया, 9 to 12 अगेन 3 हो गया, और यहाँ पर 12 to 15 अगेन क्या हो गया, 3 हो गया। सो दैट वी कैन से दैट 3 3 3 3 3 5 times 3 is 15। ओके, सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 times 3 is 15। 5 multiplied by 3 is 15 means 5 times 3 is 15. To show 5 times 3 on number line, we take steps of 3 for each time for 5 times। कितने बार ली हमने, 5 times, ये एक स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ऊपर इसके नंबर दिखाए, देखो 1 2 3 4 and 5। We go forward from 0 to 15. Similarly, we can show the division fact 15 divided by 3 is equal to 5. उसी तरह से हम उसी से ये दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, 15 divided by 3 is equal to 5. तो यहाँ पर इसका अर्थ ये भी होता है कि अगर 15 को हम किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, तो उसका जवाब हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। उसी तरह से 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। To show 15 divided by 3 on the number line, we take steps of 3 for 5 times. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो ये 1 2 3 4 and 5, तो 5 times यहाँ पर reverse step अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर समझ आता है कि यहाँ पर वो आता है हमारा 15 और फिर से हम किधर जाते हैं, backward for to the 0, मतलब यहाँ पर जाते हैं हम 15 तक, कब, जैसे कि 5 3 15, 3 3 के अगर पार्ट करते हैं तो 3 के अगर स्टेप्स करते हैं तो हम आगे आते हैं 15 तक, और अगर हम बैकवर्ड आते हैं 3 3 के स्टेप्स में तो हमें कितने आते हैं यहाँ पर, यस हमें आते हैं फिर से वापस 0 पर। दैट मीन्स 15 divided by 3 is 5 एंड 5 multiplied by 3 is 15। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं यस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिवर्स ऑपरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स है दिए हुए आपको, लेट अस लर्न द एप्लीकेशन लेवल एग्जांपल्स फ्रॉम द पेज नंबर 18 ओवर हियर। इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग आर यूज इन सम रियल लाइफ सिचुएशन। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, 25 बटन्स आर टू बी स्टिच ऑन 5 शर्ट्स। If each shirt has the same number of buttons, how many buttons are there on each shirt? तो यहाँ पर देखो 25 buttons है हमारे पास और हर एक शर्ट को कितने बटन स्टिच करने हैं, 5 शर्ट को हमें ये बटन स्टिच करने हैं। तो यहाँ पर हर एक शर्ट को कितने बटन जाएंगे, तो यहाँ पर हमें करना है डिवाइड,
तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ बटन्स इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू 5, द डिविजन फैक्ट फॉर 25 बटन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 शर्ट दैट इज 25 डिवाइड बाय 5। तो 5 का टेबल बोलना है जब तक 25 नहीं आते। 5 1 = 1, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20 एंड 5 5 = 25। सो वी कैन से हियर 5 5 = 25, सो 5 इज द आंसर। सो देयरफॉर ईच शर्ट हैज 5 बटन ऑन इट। नाउ एग्जांपल 4 इज देयर, 24 मार्बल्स आर टू बी डिवाइडेड अमंग फोर फ्रेंड्स, हाउ मेनी मार्बल्स विल ईच फ्रेंड गेट। सो हियर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज द 24, सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर द 4, सो नंबर ऑफ मार्बल्स ईच फ्रेंड विल गेट 24 डिवाइड बाय 4। सो 4 1 = 1, 4 2 = 4, हमें 20 पर बोलना है कब तक, जब तक 4 के टेबल में आता नहीं। तो 4 5 = 20 एंड 4 6 = यस दैट इज द 4 6 = 24, सो देयरफॉर ईच फ्रेंड विल गेट द 6 मार्बल्स। नाउ लेट अस लर्न द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। डिविजन इज यूज इन मेनी सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स, लाइक एग्जाम्पल 5, अमन स्पेंड्स 14 आवर्स अ वीक फॉर टेनिस प्रैक्टिस, ही स्पेंड्स 21 आवर्स अ वीक फॉर डूइंग होमवर्क एंड 48 आवर्स ऑफ अ वीक एट अ स्कूल, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन अ डे फॉर दीज एक्टिविटीज। तो देखो यहाँ पर हिंट एक बताई गई है कि देखो अमन नाम का एक स्टूडेंट है, तो क्या करता है 14 आवर्स वीक के टेनिस प्रैक्टिस के लिए लगाता है, पूरे वीक में से 21 आवर्स वो लगाता है अपने होमवर्क के लिए, 48 आवर्स लगाता है वो स्कूल में, ओके पूरे वीक के, एंड हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन अ डे फॉर दीज एक्टिविटीज़। सो नाउ स्टूडेंट्स हियर हिंट वी डू हैव, 1 week इज इक्वल टू 7 days होते हैं, द स्कूल वर्क इज फॉर 6 days इन अ वीक। सो यहाँ पर हमें करना होगा यहाँ पर डिवाइड, टाइम स्पेंड फॉर द टेनिस प्रैक्टिस पर डे दैट इज द 14 आवर्स पर डिवाइड बाय 7, सो दैट इज इक्वल टू 2 hours, देन टाइम स्पेंड फॉर द डूइंग होमवर्क पर डे दैट इज द 21 आवर्स डिवाइड बाय 7 दैट इज द 3 hours, एंड टाइम स्पेंड एट स्कूल पर डे दैट इज द 48 आवर्स डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 8 hours। सो यहाँ पर स्कूल वर्क फॉर 6 days अ वीक, तो यहाँ पर 6 क्यों लिए हैं, क्योंकि स्कूल डेज कितने दिन होते हैं, 6 दिन ही होते हैं, दैट इज 6 days, बिकॉज ऑन एवरी संडे यू डू हैव अ हॉलीडे। सो नाउ दस द टोटल टाइम स्पेंड बाय अमन इन अ डे फॉर ऑल एक्टिविटीज इज द 2 + 3 + 8 दैट इज द 13 hours, एक्सेप्ट संडे, संडे को ये नहीं होती क्योंकि संडे को यहाँ पर स्कूल नहीं होता है। नाउ सिमिलरली वी डू हैव द एग्जाम्पल 6-1 और हियर, दीपा शेयर्स 15 लॉलीपॉप्स अमंग हर 5 फ्रेंड्स, इंस्टेड इफ शी शेयर्स द लॉलीपॉप्स अमंग ओनली 3 ऑफ देम, हाउ मेनी मोर लॉलीपॉप्स डज ईच ऑफ देम गेट। सो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स कितने हैं, 15 है। इफ दीपा शेयर्स द लॉलीपॉप अमंग हर 5 फ्रेंड्स द नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स ईच ऑफ देम विल गेट 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज द 3। If Deepa shares the lollipops among only 3 of them, the number of lollipops each of them gets 15 divided by 3 is equal to 5. Difference in the number of lollipops is 5 minus 3 that is equal to 2. Therefore, her friend would get 2 more lollipops. Okay students? तो यहाँ पर देखो ये कुछ एग्जाम्पल से हमें समझ में आती है कि यस डिविजन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज 8.2 वी विल लर्न इन अ नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट चैप्टर, बट टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू सेंड यू सम एग्जाम्पल्स, दैट एग्जाम्पल्स यू मस्ट हैव टू सॉल्व एंड राइट इन यूर मैथमेटिक्स नोटबुक, बट स्टिल नाउ बाय बाय फॉर नाउ एंड द Take care. See you.